देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। पांचवें चरण की नामांकन प्रक्रिया आज यानी कि 26 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रही है। 3 मई तक प्रत्याशी नामांकन फॉर्म दाखिल कर पाएंगे। पांचवें चरण में देश के 8 राज्यों में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के कुल 49 सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी। नतीजे 4 जून 2024 को आएंगे। नोटिफिकेशन की बात करें तो 26 अप्रैल से 3 मई के बीच में नामांकन प्रत्याशी दाखिल कर पाएंगे। इसमें ज्योतिष की माने तो सिर्फ 4 ऐसे मुहूर्त हैं जिनमें नामांकन दाखिल करना प्रत्याशियों के लिए शुभ रहेगा। कौन से वो मुहूर्त हैं, चलिए ज्योतिषी से जानते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन के प्रसिद्ध ज्योतिषी गोल्ड मेडलिस्ट पंडित डॉक्टर बसंत सोनी ने लोकल लैटिन को बताया है कि शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि कोई भी शुभ कार्य सही नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इससे ग्रह आपके कार्य में सफलता दिलाते हैं। उनका मानना है कि अच्छे नक्षत्र में फॉर्म भरने से जीत की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि चुनाव भी एक युद्ध के मैदान के समान है और 18वीं लोकसभा का चुनाव हमारे भारत में हो रहा है। इसमें भी हम प्रत्याशी को हम कहेंगे कि लाभ के अमृत और चल के मुहूर्त में फार्म भरना चाहिए, लेकिन नक्षत्रों का भी उसको ध्यान रखना चाहिए। अच्छे नक्षत्र में यदि फार्म भरा जाता है, अच्छे मुहूर्त में यदि फार्म भरते हैं तो विजयश्री की संभावना बढ़ जाती है। पांचवें चरण की बात करेंगे जिसकी वोटिंग 20 मई को है, जो 26 अप्रैल से 3 मई के बीच में फार्म निर्धारित किया गया है। उसमें 26 अप्रैल शुक्रवार अनुराधा नक्षत्र, 30 अप्रैल मंगलवार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 1 मई बुधवार श्रवण नक्षत्र और 3 मई शुक्रवार शतमिशा नक्षत्र शुभ समय आ रहा है। इसमें इन्हीं तिथियों में लाभ अमृत और चल का मुहूर्त विशेष तौर पर शुभ माना जाता है। इसमें फार्म भरना चाहिए। इसके साथ में ही फार्म भरने के पूर्व प्रत्याशी को कलावा प्लस प्रस्तावक और समर्थन करने वाले दो जो अपने रहेंगे उनको भी तिलक लगा के मीठा खिला के अपने घर की बहू छोटी बच्ची से तिलक लगवाना चाहिए। लोकल लाइटिंग के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।